सक्रिय दीदी कौन है? सक्रिय दीदी कौन है? खड़ा हो बोलो तो। सदस्य दीदी जितने भी उपस्थित हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बिजली के समस्या के बारे में और सामाजिक समस्या ये सब के बारे में और सड़क की समस्या, लेकिन हम लोग जो समस्या के बारे में जो चर्चा लिखते हैं इस समस्या को सुनने के लिए अभी तक कोई नहीं आए थे और हम लोग को बोलने का भी मौका नहीं मिला था। आज यहाँ उपस्थित हुए सभी को देख के बहुत अच्छा। हम इतना ही बोलेंगे, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी उस गांव का मंगल कामना के लिए जब गंगनाथ में पधारे हम लोग दुख सुख के जानने के लिए, तो हम लोग का दर्द कुछ तो बोलना जरूरी है। जैसे कि इन नहर का काम चल रहा है, अभी एकदम ठुक पाच काम चल रहा है उसका, कितना घटिया काम चल रहा है उसको बोलने वाला कोई नहीं है। जैसे स्कूल का काम हुआ, आंगनबाड़ी का काम हुआ, पंचायत का काम हुआ, ब्लॉक का काम हुआ, राशन संघ का काम हुआ, आप लोग शायद टेंटों के आ रहे हैं, रोड को देख रहे हैं, एक महीना बाद ही रोड हम लोग का कैसा हो गया, कोई साइकिल चलने का लायक नहीं है। तो इतना घटिया काम हो रहा है इसको बोलने वाला कोई, बोलने से कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसीलिए आपसे हम लोग का नम्र निवेदन है, और जनाशय जो डैम है कि डैम में भी इतना बदमाशी है
यहाँ जितना बोलने से जाने से फजिल तंग करने से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। रेडियो के बाद आइए और कहीं पर ये कुछ काम नहीं हो रहा है। अब इतना वृद्धा पेंशन के लिए गांव में है, एक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। बूढ़ा बूढ़ी जो लोग हैं वृद्धा पेंशन के लिए दौड़ रहे हैं, इतना तो भी लिख कर दिए, कहाँ कागज फेंका गया, कौन बोरा में भर कर कहाँ डाल दिया, अभी तक इससे वृद्धा पेंशन नहीं बना। अब जाएंगे वीडियो के पास तो वीडियो हम लोग खुशी देते हैं, बैठने से बैठिए सर, बैठिए सर करते हैं। वीडियो के पास हम जाते हैं तो चित्रापुर के बाद का ये बोलते हैं, अरे वीडियो किसने बनाया, हम ही लोग बनाए हैं, हम ही लोग सवाल दिए हैं, हम ही लोग सरकार बनाए हैं, हम ही लोग सरकार है, लेकिन हमारे लोग हम हाथी हैं, लेकिन अपना ताकत हम नहीं जानते हैं कि अब एक पेड़ को धर के मसल देगा तो गिर जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं जानते। ये लोग हम लोग के भीतर बहुत कमजोर है, जाती है, हम लोग सच का बोलते हैं, झूठ नहीं जानते हैं, कोई गलत भी हुआ तो ठीक है, सही भी हुआ तो ठीक है। हम इतना ही बोलते व्यक्त अपना सबसे आज गोपीनाथपुर में हेलो ये आवाज अच्छा है, गोपीनाथपुर के इस हरि मंदिर प्रांगण में और इस पीपल के नीचे रात्रि काल के इस चौपाल में सरदेव हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, आपके इस क्षेत्र के युवा नेता रामलाल मुंडा जी, इस गांव आसपास के सभी प्रबुद्ध सम्मानित अतिथि सज्जनगण, ये बंद करने से लाइट बंद हो जाएगा क्या? सम्मानित अतिथि, मेरे गांव के सभी महिला समूह की दीदी, सभी आए हुए इस समारोह में सभी सम्मानित युवा साथी, आप सभी का रात्रि बेला में इस हरि मंदिर और के प्रांगण में मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि प्रत्यक्ष रूप से हम अपने गांव वालों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का एक मौका मिला है। ये कदापि संभव नहीं होता है, लेकिन आज ये मौका हम सब मिलकर तैयार किए कि गांव में जाए, गांव में बैठे, गांव के लोगों से संवाद करें, उनसे बातचीत करें, ये संभव नहीं हो पाता है। हम लोग का कार्यक्रम चुनाव के प्रचार में या फिर किसी शिलान्यास और उद्घाटन में लगातार होता रहा है, लेकिन प्रथम बार हमने ये 70 साल का परंपरा को इस 80 के दशक के बाद संवादहीनता को पुनर्स्थापित करने का एक पहल प्रारंभ किया है, और ये अपने ही राज्य के अंदर अपने परिवार के बीच में गांव का असली हाल जानने के लिए और सरकार से कितना एतबार रखते हैं लोग और सरकार के बारे कितना शिकायत उनका मन में बना हुआ है, शायद कोई सरकारी पदाधिकारी इसको बैठ के नहीं सुनेगा, इसलिए भी नहीं सुनेगा क्योंकि वो आपका प्रतिनिधि नहीं मानता है, लेकिन हम तो आपका प्रतिनिधि है, मेरा आना जरूरी था, आपसे संवाद करना जरूरी था, यदि आपसे बात नहीं होता तो गांव के इस हालात को और इस हाल को उस जगह पर उस पटल पर सही रूप से नहीं पहुंचा पाते जहां खड़ा होकर रांची में हम इस विषय को अगर बोलते हैं तो सरकार के जो मुलाजिम है, जो हाकिम बैठे हुए हैं, वो हाकिम को हमारी बात को सीधा रूप से समझ में नहीं आता है। इसीलिए सुदेश महतो ने गांव का पगदंडी को अपनाया और 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर से
लगातार 5000 गांव जाने का निर्णय लिया है, चाहे 1000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और पूरे गांव के चौपाल में बैठकर असली 70 साल के विकास की अवधारणा को, इस चौपाल की कल्पना को, महात्मा गांधी के स्वराज के सबसे बड़ा सपना को, आज कहाँ है महात्मा गांधी का वो गांव, कहाँ अवस्थित है महात्मा गांधी के गांव के भारत की आत्मा का क्या हाल है, शायद उसी को एक प्रत्यक्ष पटल पर एक बड़े बहस के प्लेटफॉर्म में ले जाने की तैयारी करने के लिए आपका बेटा और आपका भाई आपके बीच में आया है, ये मकसद के साथ कि आपके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ बात आप सुनाएंगे और कुछ बात हम अपनी रखेंगे, जबकि आदान प्रदान ये विचारों का आदान प्रदान ही इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन कुछ दशक से ये बातचीत एक तरफा हुआ है, राजनेता एक मंच से अपनी बात बोल के चले जाते हैं लेकिन पब्लिक का मन का बात कभी भी राजनेता तक पहुंच नहीं पाता है, आज इसकी दूरी को मैंने बदल दिया है, अब नीचे से ही बात जाएगा कि पीपल के नीचे हरि मंदिर पर बैठकर जो चर्चा यहाँ पर होगा उसका स्थान रांची के मुख्यालय में होगा, ये तैयारी करने के लिए आपका बेटा यहाँ पर आया, क्योंकि अभी तक सचिवालय का बात यहाँ तक पहुँचता था, आज ये गाँव का बात सचिवालय पहुँचेगा, ये धारा को बदलना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के असली प्रहरी आज रात को खुले छत पर खड़ा होकर अपना ही भविष्य को तलाशने के लिए अपने बीच के नेता के साथ संवाद कर रहा है, ये चिंता का विषय है और शायद ये हमारा राजनीतिक चरित्र भी रहा है कि हम लोग पूर्व काल से जब हम लोग गांव का कोई मसला होता था, गांव का कोई मामला होता था तो हम लोग बैठ के निर्णय लेते थे, पंच का महत्व होता था, गांव जो तय करेगा हम लोग पंच उसको मानते हैं, फैसला करते हैं, ये गांव में इतना लोग बैठा हुआ है, अगर हरि मंदिर बनाना है तो हरि मंदिर में किसका कितना योगदान होगा गांव हम लोग तय करते हैं, फिर बाकी मंदिर का काम करते हैं, गांव में पूजा होगा तो पूजा होने पर हम लोग अपना अपना योगदान तय करते हैं, तो सामूहिक जीने का अदा, जीने का कला हम लोग बचपन से है और गांव की अर्थव्यवस्था बिना कोई सरकारी सहयोग का भी पहले से चला आ रहा है, निश्चित रूप से हमारे लोग पहले सीधे तौर पर पैसा नहीं होता था, हम लोग पैसा का उलट पलट पैसा कुछ सामान खरीदने के लिए उत्पादन को हम लोग केंद्र तक या किसी साहूकार तक पहुंचाते थे और बदली में सामान करके घर द्वार चलाते थे, और इसके साथ साथ और व्यवस्था क्या था, ब्याह शादी पढ़ाई लिखाई के लिए उस समय भी कोई अगर जुगाड़ करना पड़ता था तो घर में हम लोग बैल बकरी मुर्गा मुर्गी पालन करते थे, ला करते थे, खेती करते थे और उसी से हमारा घर चलता था, ऐसा नहीं कि प्रथम बार कोई अर्थव्यवस्था हम लोग को गांव को सिखाएगा, गांव का अर्थव्यवस्था आज भी समृद्ध है, अगर किसी को सीखना है तो गांव में बैठकर सीखना चाहिए, गांव के हालात परिवार कैसे चलता है, बिना सहयोग का भी कैसे चलता है इसको यहां खड़ा करके देख सकता है, आज इसी अवधारणा को बड़ा करने के लिए एक बड़ा बहस प्रारंभ करने के लिए आपका बेटा गांव गांव घूम रहा है और ये करीबन 450 गांव होगा, हमको इससे आगे और 3500 गांव में जाना है और 3500 गांव में जाकर लोगों के साथ बैठ के एक वातावरण बनाना है, क्योंकि 1952 से लगातार हमारा बाप दादा लोग वोट लेते आया है, 1952 से लगातार वोट हो रहा है, कई दिल्ली में सरकार बना, पटना में सरकार बना, रांची में सरकार बनना प्रारंभ हुआ है, सरकार कितना बना, एमपी कितना बना, एमएलए कितना बना, मंत्री मंत्री सब हो गया, लेकिन गांव का हालात वहीं पर है, हम लोग जैसा थे वही है और हम लोग का गांव का लोग गरीब पब्लिक तो ही बोलता है कि गांव भगवान जन्म दिया है, अब भगवान जैसा रखेगा वैसे रखे, हरि नाम लेके सबको चले जाना है, यही कह के हम लोग अपना जीवन गुजारते हैं, यही गांव का सच्चाई है कि नहीं है थोड़ा बता दीजिए, सच्चाई है ना, यही सच्चाई से हम लोग सब जी रहे, लेकिन इस बीच में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देके आप हमेशा सरकार का निर्माण करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हम सरकार बनाएंगे और गरीब आदमी सरकार बनाने में सबसे आगे रहता है, इसलिए आगे रहता है कि गरीब सोचता है कि बार का वोट से मेरा किस्मत बदलेगा, इसलिए 7 बजे जाके लाइन लगाता है और सोचता है कि इस बार वोट देंगे तो पेंशन मिल जाएगा, इस बार वोट देंगे घर का छत मिल जाएगा, इस बार का वोट कहीं ना कहीं मेरा बेटा का नौकरी तय कर देगा, ऐसा ही सपना लेकर जाते हैं और परिणाम के बाद हमारा सपना टूट जाता है, फिर अगला वोट का इंतजार करते हैं, ये वोट का इंतजार 1952 से लेकर अभी तक चल रहा है, लेकिन गांव में ये सरकार जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ करती है, महत्वाकांक्षी योजना चलाती है, ये योजनाओं को हम लोग बड़े शहरों के होर्डिंग में देखते हैं, ये योजना गांव पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है और गांव में आके सुदेश महतो
सरकार का योजना खोजने आया है कि भाई योजना किधर है, कहाँ बना है, किसका घर बना है, किसका छत नहीं मिला है। 80 से इंदिरा आवास चला, आज तक गांव में इंदिरा आवास पूरा नहीं हुआ। पेंशन का योजना 1980 से प्रारंभ हुआ, अभी तक मेरा गांव में लोगों को पेंशन प्राप्त नहीं हुआ है। ये मिल गया है, पूरा मिला है कि नहीं मिला है? पेंशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन सरकार का खाता कॉलम में पेंशन पूरा, सरकार का खाता कॉलम में। वो बोलता है कि हमने तो योजना दे दिया, तो केवल योजना दे देने से गांव में पहुंच गया, इसका गारंटी हो जाएगा क्या? ये गारंटी नहीं हो सकता है। तो सरकार तो निर्णय बड़ा बड़ा लेती है, काम करेंगे बड़ा बोलती है। हम लोग ने भी प्रत्यक्ष रूप से सरकार में बैठकर ऐसा ही मापदंड रखा है, लेकिन जमीन का हकीकत बिल्कुल अलग होता है कि वहां से चलने वाला, रांची से चलने वाला योजना या थोपा हुआ निर्णय गांव में कभी भी पहुंच नहीं पाता है। अगर ये निर्णय इस चौपाल में होता, इस जगह पर निर्णय होता और सरकार इस निर्णय पर केवल अपना स्टॉप लगाता कि गांव में जो बैठकर निर्णय लिया, इस निर्णय को बल देता, तो गांव का तस्वीर आज बदला होता। क्योंकि सचिवालय में बैठा हुआ सरकारी आयत पदाधिकारी ये समझ नहीं पाता है कि हमारा ये गांव में डोभा बनाना है कि नहीं बनाना है, लेकिन डोभा आ जाता है। गांव में डोभा बना है कि नहीं बना है? इस गांव में डोभा बना है, डोभा बना है ना दीदी? तो इस डोभा का उपयोग क्या है? सरकार का योजना आया ना, तो उसका उपयोग, जैसे एक तो चबूतरा आता है तो वहां बैठते हैं, तो ये डोभा जो आया तो उसका उपयोग क्या है, क्या उपयोग हो रहा है? कुछ नहीं। तो डोभा क्यों आया? लोग जमाने के लिए। बोलो बोलो, बच्चे डूब रहे हैं। देखो ये होता है ना कि आदमी बैठता है, पढ़ता है, सरकार जो योजना चलाती है, तो एक एक आम साधारण गांव में बैठने वाला आदमी भी बोलता है ये कोई काम का नहीं, ये योजना कोई काम का है क्या? लेकिन मेरा सरकार का सबसे बड़ा आदमी बैठकर रांची में बोलता है ये काम का योजना है, ले जाओ। और पढ़ लिख के आयत जो हो गया है, जो पदाधिकारी बना है, वो पदाधिकारी वहीं पर बैठ के बोलता है कि अगर डोभा बना देंगे तो डोभा में पानी रहेगा और गांव का जलस्तर ऊंचा हो जाएगा। तो मेरा गांव का जलस्तर ऊंचा हो गया है क्या? ऊंचा हुआ है? और उसके पीछे तर्क लिखता है कि भाई डोभा बनने से रोजगार का सृजन होगा, गांव में रोजगार डोभा आने से बढ़ेगा। तो हम पूछते हैं कि कैसे बढ़ेगा, तो उसके पीछे लिखा हुआ है कि उसी डोभा का पानी में मछली पालन होगा और गांव के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। तो सब लोग उसी डोभा का मछली आज खा के आए हमसे क्या? रोजगार का सृजन हो गया क्या? तो ऐसा एक आम आदमी भी ऐसा नहीं सोच सकता है। ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, राज चलाने वाला व्यक्ति वहां पहुंचता है और 200 करोड़ का योजना गांव भेजता है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि थोपा वाला विचार और थोपा वाला विकास गांव को स्वीकार नहीं हो सकता है। विकास गांव से चलेगा, ये गांव जो तय करेगा, गांव अपना मूल्यांकन करेगा और गांव अपना विकास का रास्ता खुद ढूंढेगा। सरकार को केवल योजना के पीछे पैसा देना है, ये पंच निर्णय लेगा कि ये गांव में क्या बनना है, सिंचाई और खेती के लिए इस गांव को क्या चाहिए। अगर ये चाहिए खेती के लिए, गांव अपना रोजगार बढ़ाना चाहता है, गांव अपना खेती बढ़ाना चाहता है, अपना फसल बढ़ाना चाहता है, तो इस गांव को खेती के पीछे बोरिंग करना या फिर यहाँ सिंचाई का सुविधा करना, ये गांव के लिए जरूरी है और सरकार को उसमें फंड देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। तो सरकार गांव से चलेगा कि रांची से चलेगा? तो वीडियो राज चाहिए कि पब्लिक राज चाहिए? मेरा ये लड़ाई ही है कि वीडियो राज के खिलाफ में आपका भाई लड़ने निकला है कि वीडियो वहां पर लाल साहब होता है कि सेवक है? वीडियो वीडियो क्या है? वीडियो फील्ड अफसर है ना, कि सुदेश माथुर 9 बजे रात आके यहाँ गांव के लोगों से बात कर सकता है? वीडियो को फुर्सत है गांव के लोगों से बात करने का? आता है कभी, दर्शन देता है? पूछा है दीदी आपको मिला है कि नहीं मिला है? लेकिन सरकार के निचले इकाई का सबसे बड़ा पदाधिकारी तो वीडियो है। एक वीडियो सीओ और दौरगाई तो चलाता है, तीन आदमी चलाता है ना ब्लॉक को, ये ब्लॉक तीन आदमी चलाता है। और ये तीनों व्यक्ति कभी भी गांव आके लोग का हालचाल नहीं लेता है। ये पंचायत हुआ, आपका पंचायत है कि नहीं? पंचायत
पंचायत सचिवालय बना ना, मुखिया बैठते हैं, ग्राम सभा होता है, आप बैठते हैं ग्राम सभा में, आप जाते हैं ग्राम सभा? जाते हैं। जाते हो तो बात करो, आप पूरा हल्ला कर रहे हैं, आपको हमको जवाब देते जाना है। जाते हैं ना ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा में जो निर्णय लेते हैं वो स्वीकृत हो जाता है, स्वीकृत होता है कि नहीं? ए बाबू स्वीकृत होता है, दीदी स्वीकृत होता है, आप जो निर्णय लेते हैं ग्राम सभा में स्वीकृत होता है क्या? नहीं स्वीकृत होता है, और स्वीकृत नहीं होने से आपका विश्वास करता है। आप गांव में बोलते हो ये होता जाए की होवे, और सेवारो के लिए सेवारो बोली हो जो नहीं, ए बारो के लिए हो जो नहीं, ए बारो के लिए हो जो नहीं, यदि हो से नहीं तो फिर जाए होवे की? यही ना मानते हैं आप लोग, यही बोलते हैं ना कि हर बार जाइयो ना कोहे ना नहीं है एकला, तो फिर एक कहते कि ना आप जाएंगे कि ना फायदा है, ये तो ना कथा चले। तो यदि यही मामला है तो फिर ये विधान पर सरकार को प्रश्न खड़ा हो गया है कि सिस्टम से हम गांव को विकास नहीं कर सकते, गांव के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते, गांव को आगे नहीं बढ़ा सकते, और सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार किसी का बन जाए, ये गांव में जब तक निर्णय को हम लोग ताकत नहीं देंगे, गांव के लोगों को, गांव के विश्वास को आगे न बढ़ाएंगे, तब तक ये नहीं जा सकता है। इसीलिए मैंने स्वराज का चर्चा किया है, स्वराज मतलब अपना राज होगा, और ये राज तब चलेगा जब गांव का लोग बैठ के अपना निर्णय का, अपना हक का निर्णय गांव में लेगा और सरकार उसके पीछे काम करेगी। अभी दादा बोल रहे थे खड़ा हो, मैं इसी को इतना दिन से 2 अक्टूबर से लगातार बोल रहे कि बोलता है स्वाभिमान, मेरे गांव आने से कुछ राजनीतिक दल का लोग परेशान हो गया है, पूरे बोल रहा है कि अभी तो चुनाव भी नहीं है, सुदेश मा तो इतना जल्दी काहे उतर गया? उन लोग को केवल चुनाव में उतरने की आदत है, हम बिना चुनाव में हल उतारती है तो उन लोग को परेशानी हो रहा है, अभी तो हल नहीं जोतना था, ये जोतने अभी काहे उतर गया? हम लोग को भी हल ठीक करना पड़ेगा कि हम आपको बता देंगे कि मेरे आने के बाद लोगों का मजबूरी हो जाएगा कि गांव आना पड़ेगा, गांव में बैठना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, ये तो आगे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को मजबूर करके दिखा देंगे, ये तैयारी हमारा चल रहा है। और इसी तैयारी में हमने कहा है कि भाई ये जो काम करने का विधान है, ये जो विधान बना हुआ है, इस विधान में आमूलचूल परिवर्तन करना है, ये स्वराज्य और स्वाभिमान जो दादा बोले अभी, मैं स्वाभिमान को खोज रहा हूँ। स्वाभिमान किसका? एक पत्रकार आज हमको चाईबसा में बोला, आप 2 दिन से यहाँ पर हैं, हम लोग को कोई खबर नहीं हुआ, ये ठीक बात नहीं। हम बोले 2 दिन से हम यहाँ पर हैं, आप जान गए कैसे? तो बोला पेपर में छपा। हम बोले आप पेपर पढ़ने का क्वेश्चन देखने का मौका मिला, लेकिन आप चैनल के आदमी हैं, आप आके हमसे मिल नहीं पाए। क्यों नहीं मिल पाए? इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि आपका स्वाभिमान बीच में आ गया। स्वाभिमान कैसे बीच में आ गया? क्योंकि सुदेश मा तो आपको बोला नहीं, इसलिए आपको लगा कि मेरा वो नहीं बोला है तो हम नहीं जाएंगे, इसलिए आप नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि हम 2 दिन से आए, ये जानकारी आपको था, लेकिन आप नहीं आए इसलिए क्योंकि हम नहीं बोले थे। ये एक पत्रकार का स्वाभिमान है, मेरा गांव का लोगों का स्वाभिमान क्या होगा कि मेरा माँ जेठी यहाँ से जाकर वीडियो ऑफिस में रोज जाके आवेदन देती है, और आवेदन देती है तो वीडियो का चपरासी बोलता है कि वीडियो को आज फुर्सत नहीं, आज वीडियो बैठा हुआ नहीं, यही ना वो मिलता है, वीडियो आज के मौसे नहीं, वीडियो और फुर्सत नहीं। और मेरा माँ जेठी रोज वापस घर से घूम रही है और जा रही है, एक दिन उसका जाना मतलब शाम का चूल्हा जलेगा कि नहीं, ये भी प्रश्न, ऐसा भी गरीब परिवार है, यदि एक दिन नहीं खटेगा तो शाम का चूल्हा नहीं जल सकता है, वो परिवार रोज आवेदन लेके वीडियो ऑफिस नहीं जा सकता है, और लगातार कई वर्षों से लोग ऐसा ही आवेदन लेके आता जाना कर रहे हैं, लेकिन लोगों को हक नहीं मिला है। वो वीडियो यदि किसी दिन गांव आता है, और गांव आता है कुल्ही बीड़ी में कहीं पर कोई योजना देखने आता है, और गांव का मेरा कोई लड़का उसको चेयर निकाल के नहीं रख देगा, तो वो क्या बोलेगा? अरे तुम लोग का गांव गए थे, तुम लोग एक तो चेयर भी नहीं लगाया, इज्जत नहीं किया वीडियो का, ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो बोलेगा, वो बोलेगा। एक दिन आया एमएलए आएगा, उसको चेयर नहीं रख दीजिएगा तो वो बोलेगा, एमपी को चेयर अगर नहीं रख दीजिएगा तो वो बोलेगा कि भाई तुम लोग का गांव गए, तुम लोग इज्जत नहीं किया, चेयर भी नहीं रखा मेरे लिए। लेकिन मेरा गांव का माँ जैसी जो 4 दिन वीडियो ऑफिस, 8 दिन एमएलए कार्यालय और 10 दिन अगर एमपी को हैंड करके ये मांग किया,
तो उसका इज्जत, इज्जत नहीं, आपको एक कुर्सी नहीं मिला तो आपका इज्जत है। सुरेश महतो इस इज्जत को तैयारी करना चाहता है। इस माँ का भी वैल्यू उतना ही होना चाहिए जितना एमपी और एमएलए का वैल्यू है, जितना बीडीओ का वैल्यू है, उतना वैल्यू इसका होना चाहिए। ये वैल्यू पूरा विश्व में जितना जगह हम घूमे, जितना जगह गए और मैंने देखा है, और ये चलता है बगल का स्टेट में। ये हम लोग आदत डाले हैं मुफ्त में खिलाने का, ये आदत हमारा बनाया हुआ है, हम उसको दोषी नहीं बना सकते। हम लोग का दोष है कि हम लोग ने मुफ्त में खाने का आदत इन लोगों को बना दिया है। बिना कामों तू जीतते पारिस, यही ना, बिना कामों जीतते पारिस, ये हमारा आदत बनाई दिए थे। ये आदत बना दी है कि आप काम नहीं हो करिएगा तो आप जीत सकते हैं। बिना आपसे सवाल नहीं है, ये पांच साल एमपी पांच साल एमएलए रहा कि भाई पांच साल पहले एक घोषणा पत्र लेकर आप घूमे थे, वो घोषणा पत्र के ऊपर हम बात और चर्चा नहीं करते, इसलिए उसको आदत लगा है। मुफ्त में खाने का आदत ये तो माँ बाप बेटा को भी नहीं देता है। 18 साल होने के बाद मैट्रिक उट्रिक लिख लिया कोई बेटा तो बाप माँ शाम को खाने देते समय, एक थोड़ा बाप जब शाम को खाना खाने बेटा खेल के अगर फुटबॉल वुटबॉल खेल के कोई ऐसे काम करके आ गया और खाने अगर बैठ गया है तो सबसे पहले बाप बोलेगा बापे सिरे खाओ। देखो जितना दिन हमारे चल से खाओ तोरा, जितना दिन हमारे चल एक तरह खा, ठीक ना, नीचे कोनो ना खाटिया। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट माँ को सुनाता है और ये बेटा को इंकित करता है कि कुछ काम करो बोल के, होता है कि नहीं घर में बता दीजिए। और उसी समय बोलेंगे जब आपको खाना माँ देगी, मुफ्त का खाना मिला है बेटा खाओ, होता है कि नहीं घर में बता दीजिए। लेकिन साधारण घर में मिडिल क्लास में ये चलता है कि बाप चाहता है जल्द से जल्द बेटा कहीं पर काम करे और वो काम करते हुए बेटा को देखना चाहता है। यदि मेरा जो जन्म देने वाला बाप माँ हमको मुफ्त में खाना देने से पहले प्रश्न खड़ा करता है तो इतना बड़ा राजनीति के खड़ा में मुफ्त खाने का आदत आप लोगों ने बना दिया है, इसीलिए ये आदत बना हुआ है, इसीलिए गांव वहीं पर है, इसीलिए मेरा पब्लिक मेरा माँ का कोई सम्मान नहीं करता है। ये सम्मान को उठाना पड़ेगा और इस आदत को बंद करना होगा कि जो काम करेगा उसी का सम्मान होगा। दूसरे का घर बनाते बनाते आप थक गए, अब अपना घर जो बनाइए, आपका घर जो बनाएगा उसका नेतृत्व करिए, उसको आगे बढ़ाने का काम करिए, उसको सम्मान देने का काम करिए। जो आपका सम्मान रखेगा उसको सम्मान मिलेगा, ये तैयारी आप सभी लोगों को प्रारंभ करना होगा। मैं बंगाल का उदाहरण दे रहा हूँ, ये बंगाल बगल में किसी का हिम्मत नहीं है कि पंचायत का एक वार्ड मेंबर का बात को कोई काट सके, ये मुख्यमंत्री भी नहीं काट पाएगा। पंचायत में क्या करना है वार्ड मेंबर तय करता है, इतना वैल्यू है हमारे यहाँ, वैल्यू है क्या, है क्या, हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू टोटल अकेले वीडियो ले गया है, ये एमपी भी चाहेगा इसको इंद्रावास बनाना है लेकिन वो चाह के भी इसको दे पाएगा क्या, दे पाएगा, लिख के देगा लेकिन नहीं दे पाएगा, लेकिन वीडियो चाहेगा तो दे देगा, दे देगा ना, क्योंकि फिर उसके लिए शुल्क चुकाना पड़ेगा, ये भी है ना धंधा, बिना पैसा में काम होता है, ब्लॉक में बता दीजिए, बता दो सच्चाई बोलो, दिल से बोलो, ये तो बातचीत होता है क्या, ये तो कागज भी आगे जाता है लेकिन सरकार सोचता है कि हम आज मुंद लेंगे तो सब व्यवस्था ठीक है, ऐसा मान लेता है। तो ऐसा मान्यता को समाप्त हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं एक पीसफुल हमारा पूरा शासन व्यवस्था बने, क्योंकि एक गरीब आदमी इस गांव का कोई दरोगा के पास जाना पसंद करेगा, जाएगा हिम्मत से जाएगा कोई कि हम सीधा दरोगा ऑफिस में चले जाएंगे और अपना बात बोलेंगे, ऐसा है, उसका माँ क्या बोलेगे फलना के दादा के देखो जरा बोलो कैसा जाते तो रहे वार संगे जाबे, या फिर फलनार बाप दरोगा संग परिचय अच्छे फलनार संगे जाबे, फलना का बाप का परिचय दरोगा से है उसको पकड़ो तब आप दरोगा के पास जा पाइएगा। तो ऐसा शासन व्यवस्था चाहिए, खाना तो सबके लिए मोहन होना चाहिए। और दो गांव में बताओ, दो गांव में दो गरीब परिवार, एक गरीब परिवार एक बड़ा परिवार में झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो गया, गरीब परिवार का दोस्त नहीं है, बड़ा परिवार दोस्त किया है, न्याय किसको मिलेगा, खाना किसका सुनेगा, खाना किसका सुनेगा बता दीजिए। ये हम लोग का माइंड सेट है, पहले से हम लोग जानते हैं कि नहीं, न्याय किसको मिलेगा, तय है कि जो बड़ा आदमी है उसी को न्याय मिलेगा, गरीब को बिना गलती का भी न्याय नहीं मिलेगा, मिलेगा, ये पहले से मानसिकता। तो इस मानसिकता में हम लोग काम कर रहे हैं, अपने को पूरा सिस्टम में गिरवी रख दिया हम और आपने, हम ये जानते हैं कि हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम गरीब में नहीं मिलेगा, पैसा वाला है उसको मिलेगा, ये तय सुधार। और हम लोग और क्या कर रहे हैं कि हम लोग दो खून का भाई दो गोतनी बगल बगल रह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि दोनों घर में अगर कोई कहीं पर उसका खेलियन है, खेलियन में इस घर का छगरी जाके वो घर में अगर कुछ चीज
खा दिया तो जेठी पहले गाली देगी, ए तू लोग छगरी तो ठीक से बांध के रखो, खांसी ना ठीक से रखा पर नहीं रखे पर बात तो बेची दा, यही ना बोलेगी। दूसरा दिन फिर चला गया तो क्या बोलेगी, वो खांसी को मारेगी, मारेगी ना डंडा से, गाली भी देगी उस दिन तेरा माँ को और मारेगी भी खांसी को, होगा कि नहीं। और तीसरा दिन क्या होगा, तीसरा दिन गुस्सा से हो सके आपके ऊपर डंडा उठा देगी, वो थाना जाने का गुस्सा उसमें आ जाएगा, गुस्सा इतना बढ़ेगा कि वो थाना जाना पसंद करेगी लेकिन आपका नौकरी से अपना घर का चावल खाना पसंद नहीं करेगी, नहीं करेगी ना, करेगी क्या बोलो, अपना खून बर्दाश्त नहीं कर रहा है लेकिन पूरा राष्ट्र को चरने के लिए हम लोग छोड़ दिए, कोई भी आके यहाँ खा लो हम लोग छोड़ा हुआ है, हम लोग का गुस्सा नहीं, गुस्सा है क्या, हम लोग गुस्सा खत्म कर दिया 2000 में झारखंड अलग हो गया तो लड़ाई और क्या बचा है। अगर आजादी से ज्यादा आजादी को सुरक्षित रखना जरूरी है, अगर ऐसा ना होता तो आजादी का सीमा भारत का लगा हुआ है, रोज कारगिल में रोज बॉर्डर में खड़ा होकर हमारा ही घर का कोई नौजवान शहीद नहीं होता, शहीद होने के लिए खड़ा होना पड़ता है। बाउंड्री को भी सुरक्षित रखने के लिए देश में 24 लाख नौजवान सुरक्षा में लगे हुए और हम लोग इतना बड़ा खेत को दुल्हन को छोड़ दिया है, कोई भी आके यहाँ खा सकता है, अगर ऐसा वातावरण बना के रख देंगे तो हमारा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है और कोई राजनेता आपके इस विषय में बैठकर चिंता कभी नहीं करेगा। इसलिए सुरेश महतो गांव में घूम के इस चिंता को बल देना चाहता है, आपके बहस को बड़ा करना चाहता है, आपके बीच आने वाले भविष्य को सुरक्षित कैसे रख सकते इसके लिए वातावरण बनाना चाहता है और लड़ाई को बड़ा करने और आपका आशीर्वाद लेने आया है। आइए ऐसा वातावरण बनाते हैं, आइए ऐसा कानून व्यवस्था लाते हैं, ऐसा विधान तैयार करते हैं जिसमें आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, आम आदमी के लिए चलने वाली योजनाएं सीधे सुलभ रूप से उनके घर तक पहुंच पाए, ये वातावरण बनाने के लिए आपका बेटा आज 5000 गांव जाने का निर्णय लिया है, यही काम करने के लिए, यही मेरा स्वराज्य है और आप ही का स्वराज्य आपका और ये आपका स्वाभिमान सुरक्षा करने का ये मेरा अभियान है। इस अभियान में आपके बीच में आए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इस अभियान में एक पूरा जनवरी फरवरी तक हमारा तैयारी है कि 2500 किलोमीटर पद यात्रा पूरा कर लेंगे और 5000 गांव मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको निमंत्रण देंगे और 5000 गांव का एक अखाड़ा सजाएंगे और उस अखाड़ा में सब लोग बैठेंगे, या तो सरकार समझेगा या फिर उस दिन आप जो बोलिएगा सुरेश महतो उसी विषय का नेतृत्व करना प्रारंभ कर देगा, एक नया रास्ता लेके आगे बढ़ेगा, ये तैयारी हम करने वाले हैं। तो ये काम तक कराया जाते क्यों, ये लड़ाई लड़ना चाहिए ना, होना चाहिए ना। देखो क्या होगा, गांव में 5 पार्टी हो सकता है, 5 पार्टी का पीछे घूमने वाला हो सकता है, 5 पार्टी से फायदा क्या है हम बता रहे हैं कि अगर कोई एक पार्टी का 5 आदमी फॉलोअर है पीछे उसका चलने वाला है तो ये वो आदमी जो पार्टी जो कुछ बन जाता है एमपी एमएलए बन गया तो 500 घर का थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा ठेका पता में उनसे, हम लोग क्या बन सकते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोई ठेका और मुंशी न बन सकते, इससे ज्यादा और क्या बनेगी। तो ये 5 साल में 5 ठो घर, उसके अगला बार में फिर 5 ठो, उसका अगला बार कोई जीतेगा 5 ठो, तो 15 साल भी जाने से 15 घर में थोड़ा बहुत मुंशी बनने का मौका मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा कुछ, मिलेगा इससे ज्यादा कुछ राजनीति में, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा दादा। लेकिन उसी के लिए गांव को हम लोग फाड़ देते हैं, फाड़ते हैं कि नहीं, किचू लोग यही दिखे किचू लोग और दिखे किचू लोग और दिखे कि मुंशी बुझको बोले बेटा तो मुंशी ने बोला तो और कौन नहीं, तो मुंशी से बड़ा कोई उलट पद हम लोग को देने के लिए तैयार नहीं। तो इसी के लिए गांव हम लोग 15 साल तोड़ सकते हैं केवल 15 आदमी मुंशी बनेगा बोल के। हम जो अभियान कर रहे हैं ये 95% के लिए है, इससे यदि ये चीज ठीक हो जाएगा ये वातावरण बन जाएगा तो कोसी का मुंशी बनने का जरूरत नहीं है। जिसको इंद्रावास मिलना है उसका घर आएगा, जिसको पेंशन मिलना है उसको पेंशन मिलेगा और वीडियो दौड़कर यहाँ आके काम करेगा, ये वातावरण बनेगा तो 95% लोगों का कल्याण होगा, एक साथ में एक बार में ये हो सकता है, ये वातावरण बनाना चाहता है। राजनीति में इस राज्य में किसी राजनेता में ये कुवत और साहस नहीं है कि इस तरह से कोई नए विषय को ताकत दे सके, ये आपका बेटा और भाई में ही ये ताकत है कि नया बहस नया प्लेटफॉर्म दे सकता है। आज हम जो बोल के जा रहे हैं इस विषय को सबको आना होगा, कोई इस बात में रोक नहीं सकता है, कोई इस बात से अलग नहीं हो सकता है। आप राजनीति करो लेकिन राजनीति का विषय एक होना चाहिए, राजनीति का विषय गांव होना चाहिए, राजनीति का विषय गरीब होना चाहिए और जिस दिन गरीब विषय बनेगा उस दिन गरीब का उन्मूलन होगा, नहीं तो गरीब का उन्मूलन कभी नहीं हो सकता है। आइए एक बड़ा वातावरण की ओर एक आशीर्वाद के साथ दीजिए कि आपका बेटा इस अभियान को तैयार कर सके और इस अभियान में फरवरी तक में हम लोग एक बड़ा ताकत बनाएंगे और अपने राज्य को अपने वसूल पर चलाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ होता क्या,
या मुजफ्फरपुर में या चाईबासा में या झारखंड में, कोई उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरपुर में कुछ घटना घट गया तो राजनीति यहाँ बहस होगा। मुंबई में कोई घटना घट गया उसका बहस हम लोग करेंगे। केरल में हो गया उसका भाषण देके कोई चला गया, हम लोग धरती नीचे हाथ थपड़ी बजाने वाला ही लोग बन गए। हम लोग कभी वो लोग सोचता है कि यहाँ का लोग नीचे बैठ कर केवल हाथ ताली बजाएगा, अरे उसको बता दो इस घर से भी एक बेटा तैयार हुआ है, यहाँ से भी एक राजनीतिक तैयार हुआ है, यहाँ से भी एक नेतृत्व तैयार हुआ है जो राज चला सकता है, राज का दिशा दे सकता है, उस राज को आगे ले जाने का क्षमता रखता है। हम लोग उधार का राजनीति नहीं करता है, हम लोग मूल राजनीति करता है और मूल राजनीति करने में ये क्षमता रखता है। देश का तो डब्बा नहीं बन सकता, इंजन बन के काम करता है। ये इंजन है तो इंजन आगे चलेगा और इंजन में क्षमता है, पूरी क्षमता परिवर्तन करके दिखाएगा, पूरी क्षमता इंजन में गति है, ये गति से आएंगे दुनिया में सब एक हो सकता है। लेकिन विचार कभी भी नहीं ला सकता है। वो एमपी एमएलए कौन कितना बार रह गया पब्लिक याद नहीं रखता है। आपके यहाँ से मुख्यमंत्री होके पार हो गया जी, मेरा गांव बदल गया क्या? सीमन से मधुकला मुख्यमंत्री बने ना, कल्याण हो गया क्या? हो गया क्या? ये सीमन तीन जिला में पांच मुख्यमंत्री बन गया, अर्जुन बाबू तीन बार, रघुवर जी बन गए हैं और इधर एक बने हुए, पांच बना, लेकिन यहाँ पर कोई फैसला हो पाया क्या? गांव का हालत बदला क्या? लोगों के कोई अंतर आया है क्या? कोई अंतर नहीं आया, चूंकि रचनात्मक रूप से आप बतर कर यदि आपका दिल में पब्लिक का सेवा करने का नहीं है तो कभी नहीं हो सकता है। ताकत तो हो जाएगा, मजबूत तो हो जाएगा, इस मजबूती का लाभ गरीब को कभी नहीं मिल सकता है जब तक दिल से लग के इस पर काम न करिएगा। आइए, मैंने एक नई लड़ाई को नई ताकत नई ऊर्जा के साथ फिर से राजनीतिक क्षितिज में अपना झारखंड को सुरक्षित रखना और इतने बड़े आवाम को एक साथ लेकर चलने का और उनके स्वाभिमान और स्वराज्य के इस सपने को साकार करने का एक तैयारी हमने प्रारंभ किया है। वोट मांगने के लिए जिंदाबाद के लिए लोग आएंगे, लेकिन इस विषय बोलने के लिए कोई नहीं आएगा। एक नया विषय मुझे संवाद करने का सीधा अवसर आपके बीच में मिला, मैं आभारी हूँ आप सभी का। आशीर्वाद दीजिए कि आपका बेटा इस अभियान में जीत के आए और 95% लोगों का परिवार को राहत दे सके, ये आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आके यहाँ पर लोगों के बीच में काम कर पाए और एक वातावरण हम लोग मिलकर तैयार करें और इसका नेतृत्व आप करेंगे। मैं पीछे रहूंगा क्योंकि आपका बात सुनने वाला कोई नहीं, आपका बात कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मुझे पीछे आना पड़ा है। क्योंकि यही बात आप बोलेंगे तो वीडियो बोलेगा ए बाहर जाओ जैसे दादा बोले, जूता खोल के आइए बोलेंगे। तो हम लोग के गांव में भी बहुत परंपरा है, आप कहीं चढ़ जाते हैं हम लोग माफ कर देते हैं। वो ऑफिस तो हम लोग का है, मंदिर है पब्लिक का, पब्लिक का मंदिर जाने से आप कौन होते हैं जूता खोल के? जूता खोल के वो अंदर गया है क्या? हाँ, ऑफिस में बैठा है क्या? तो ये आचरण को बर्दाश्त न करना है सर, इस आचरण के खिलाफ में जाना है और इसके खिलाफ में एक लड़ाई का तैयारी करिए, बहुत का तैयारी करिए, स्वतः सब लोग ठीक हो जाएगा। वीडियो चल कर गाँव आएगा और बोलेगा ये हुजूर काम क्या है, पब्लिक हुजूर होगा, पब्लिक हुजूर होगा, वो बना हुआ है दाता और हम लोग याचक, पब्लिक दाता है वो याचक बनेगा। ये तैयारी हम लोग सबको मिलके करना है और सबको मिलके करेंगे। मेरे गांव का कुछ विषय इसलिए आपको पहले रखने के लिए बोले, कुछ बात बोल दीजिए ताकि उसमें हम कुछ कर सके। गांव का एक मामला पहले तो ये लड़ाई लड़ा जाए कि नहीं, इतना स्लो बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? तैयार है ना सभी लोग? इतना स्लो से हम चक्रधरपुर तक बात नहीं जाएगा, तैयार है ना सभी को? भाई के बोलबा तो बड़ो करो, 5,000 गए थे, 1,500 लोग बोलते आज अवश्य बड़ो करते हो बेटा।